हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं ओली कोड पे जो लाइव टेस्ट अभी आया हुआ है, जो कि 27 और 28 को लाइव रहेगा, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये मेरे बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप लोग देख सकते हैं कि छोटा मोटा मेरा जो अचीवमेंट है वो। चलिए बिना वक्त गवाए हुए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है MNO, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूँ। इसमें n क्या है, एक राइट एंगल है। चलो तो ये मैं MN, इसे O ले लेता हूँ। एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ON, ON पे एक पॉइंट P दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट P है। इफ OM इज इक्वल टू 26, OM है 26, PM कितना है, PM को मिलाना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं PM को मिलाता हूँ तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, एंड OP इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या दिया है, 3। देन फाइंड द लेंथ ऑफ MN, MN का लेंथ पूछा हुआ है। देखो ये 3 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए A मान लेंगे। इसका NP का लेंथ, NP इज इक्वल टू A, लेट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल MNO, दूसरा हमारा ट्रायंगल बन रहा है MNP। कोई दिक्कत, दोनों के दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये एंगल कितना दिया हुआ है, 90। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल में MN जो है ना वो परपेंडिकुलर है। MN क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब बेस अगर नीचे वाले को मान ले थोड़ी देर के लिए, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, MN। और राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेनस एक में 25 हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, 26। तो अगर मैं MNO की बात करें, ट्रायंगल MNO में, तो यहाँ से मैं MN अगर निकालूंगा ना, तो आ जाएगा अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ट्रायंगल MNP में बात करूँ, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में MNP में, इसमें MN का वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दोनों का MN को मैं इक्वल करूंगा और स्क्वायरिंग कर देता हूँ, मतलब MN स्क्वायर हम लोग करते हैं, MN स्क्वायर को बराबर, MN स्क्वायर को जैसे बराबर करूंगा तो हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 3 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 25 को इधर मैं भेजता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, और इधर राइट साइड में अगर इसे भेजू तो ये हो जाएगा 3 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए माइनस बी 1 इंटू ए प्लस बी 51। इधर मैं वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो ए माइनस बी 3 इंटू ए प्लस बी करूंगा तो 3 प्लस 2 ए। 17 3 51, 17 बार में ये कट गया। 3 को मैं अगर इधर भेजू तो 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड है तो 7 आ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू आ गया हमारा 7। ए आ गया 7, देखो 7 3 10, ये साइड हो गया हमारा 10, ये है 26, तो ये कितना होगा 24। 24 10 और 26 तीनों क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो MN का वैल्यू कितना हो गया, 24। अगर नहीं पता है ट्रिपलेट होता है तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप इसमें, तो MN का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह से, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ है 18 और ब्रेथ कितना है 11। ठीक है, अब इसके चारों साइड से 2-2 सेंटीमीटर का कॉर्नर से कट कर दिया गया है इस तरह से। मान लो इसको कट करके हम लोग क्या किए हैं, हटा दिए, राइट। अब अच्छे से इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, इसको हटा दिया, इसको इधर से हटा दिया और इसको इधर से हटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब हमें इसे मोड़ना है। अब ये 2-2 सेंटीमीटर का, जैसे ही मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा इधर से यहाँ पे, ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा, ये इस तरह से यहाँ से ऐसे इसको मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ ऊपर, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो यहाँ से एक बॉक्स बन जाएगा चारों तरफ से। अब जो बॉक्स जो बना, तो बॉक्स का हाइट क्या हो जाएगा, यही तो हाइट होगा ना बॉक्स का, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो जाएगा, इधर से भी 2 घट गया, इधर से भी 2 घट गया, तो 18 में से 4 घटा दो तो 14 हो गया, और ब्रेथ में कितना हो जाएगा, 11 में से 2 इधर से घटा दो और 2 इधर से घटा दो तो 4 घट गया तो 7 हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH 14 × 2 × 7, मतलब 14 × 14 196। तो 196, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। इफ निशु सेल्स सर्टेन गुड्स फॉर रुपीज x+40, निशु जो है ना एक सामान को x+40 में बेचती है, तो ये निशु का, निशु जो गुड्स बेचती है उसका SP हो गया ये। That was sold to him by Aman for rupees X. Aman ने निशु को X रुपए में वो चीज दिया था, तो निशु के लिए X रुपीज क्या हो गया, उस गुड्स का CP हो गया। क्या हो गया, CP। CP मालूम है, SP मालूम है।
प्रॉफिट परसेंटेज 20%, प्रॉफिट परसेंट ही मालूम है तो। अच्छा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट है हमारा 20, प्रॉफिट कितना हो गया भाई, एसपी में से सीपी को घटा दो तो 40 का प्रॉफिट हो गया, 40। सीपी कितना है, एक्स इंटू 100, इसको मैं सॉल्व अगर करूंगा तो 20 × 40 तो एक्स बराबर कितना आ गया, 200। एक्स का ही तो वैल्यू पूछा है, 200। बहुत इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। इसमें टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कॉसेक क्या होता है, 1/sin, तो अगर मैं इसे 1/sin करूंगा तो साइन ऊपर चल जाएगा, राइट, साइन थीटा इंटू एक्स। और यहाँ पे अगर मैं इसे कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा। फिर मैं कॉस को क्या करूंगा, लेफ्ट साइड भेजूंगा और एक्स को राइट साइड, एक्स को इधर भेज दो, कॉस को इधर भेज दो। साइन बाय कॉस क्या हो गया भाई, टेन थीटा, और इधर क्या हो गया हमारा, वाई बाय एक्स। तो कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा, एक्स बाय वाई, क्योंकि टेन कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया वाई बाय एक्स माइनस एक्स बाय वाई, एलसीएम एक्स वाई ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। रोहित एंड अनु गॉट मैरिड 25 years ago, अभी से 25 साल पहले रोहित और अनु का जो है शादी हुआ था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, अच्छा सॉरी, एंड रोहित इज 6 years older देन अनु। रोहित जो है अनु से 6 साल का क्या है, बड़ा है, मतलब रोहित और अनु के एज का डिफरेंस कितना है, 6 साल। देखो एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। मान लो आप अभी 10 साल के हो, आपका भाई 8 साल का है, तो डिफरेंस कितना है, 2 साल बाद, 2 साल का। 20 साल के बाद आप कितने के हो जाओगे, 30 के। 20 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 28 का। तो अभी भी डिफरेंस कितना है, 2। तो डिफरेंस जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो रोहित और अनु के एज का डिफरेंस कितना है, 6, ये कभी भी चेंज नहीं होगा जिंदगी भर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैरिज अनु इज 9/11 ऑफ द एज ऑफ रोहित। तो अनु और रोहित के एज का जो रेशियो दिया है वो है 9/11। ये क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये मैरिज के टाइम का है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के एज का डिफरेंस यहां से निकालू तो ये 2 यूनिट आता है। तो यही 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3, तो 9 यूनिट का वैल्यू 27। तो अनु का शादी के टाइम में 27 साल था और रोहित का 33। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अनु, तो ये शादी के टाइम का है, अभी कितना उम्र हो जाएगा, 25 साल, क्योंकि 25 साल पहले दोनों का शादी हुआ था। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु कितना हो गया, 7, 5, 12, मतलब 52 साल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। ए कैन कम्प्लीट 5/7 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ, 5 × 20 और 7 × 28, तो ए जो है ना उस काम को 28 दिन में कर सकता है, किसी काम को, ठीक है। बी जो है ये 4 सीधे गुना हो जाएगा, 16 × 64, बी जो है 64 दिन में उस काम को कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, राइट। तो 28 और 64, 4 से लगाओ, 4 × 28, 16 × 64, 7 × 28 गुना 16, ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 28 × 16, गुना कर लेंगे बाद में। अगर मैं इफिशियंसी निकालू तो यहाँ 16 आ गया, इधर से इफिशियंसी निकालू तो 16 से 4 बार में कटेगा, 4 से फिर 28 कटेगा, 7 बार में, दोनों का इफिशियंसी आ गया। कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, 8 दिन काम करता है, 8 दिन में ए कितना काम करेगा, 16 × 8 = 128, ठीक है। अब मैं इसे भी गुना कर लेता हूँ टोटल वर्क को, 16 × 8 = 128 के 8, बाकी 12, 16 × 2 = 32, 32 × 12 = 32 = 44, 448 काम में से 128 काम ए ने कर दिया, घटा दो 0, 2, 3, 320 काम को कौन करेगा, ये बी करेगा एक्स दिन में, तो एक्स का वैल्यू यही आ जाएगा हमारा। वर्क अपॉन इफिशियंसी क्या होता है, टाइम होता है। तो 7 × 28, 4 उसमें गया 40 हुआ, 7 × 5 = 35, 5 = 40/7, तो 45 × 5/7, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है, इतना इज डिविजिबल ओवर 9, 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सभी डिजिट को ऐड करने पे अगर वो 9 से कटेगा तो टोटल नंबर भी 9 से कटेगा। देखो जोड़ो, जोड़ के देखो, 7 × 4 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 8 = 23, 23 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। 6 × 6 = 12, 5 × 17, 17 × 8 = 8, 7 × 15, मतलब 25 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये भी गलत। तो नाइदर ए नोर बी कोई ट्रू नहीं है, दोनों गलत है। चलो यहाँ देखते हैं, 2n + 5 men can complete a work in 40 days. However, if 11 men leaves the group, then the group take 50 days to complete the work. Find the value of n.
तो यहाँ देखो MDH फॉर्मूला जानते हो सब, तो M हो गया नंबर ऑफ मैन, ये हो गया डे और ये हो गया घंटा। तो यहाँ मतलब घंटे की बात तो हुई नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मैन है और डेज है, दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो पहले है नंबर ऑफ मैन कितना, 2n + 5 × 40 बराबर, बाद में 11 मैन, दूसरे कंडीशन में 11 मैन भाग जाता है, अगर इसमें से मैं 11 मैन घटा दूं तो 2n + 5 − 11 करता हूं तो 2n − 6 हो जाएगा। तो बाद में नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, 2n − 6, और अब 50 डेज लग रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, 4 से गुना करो तो 8n + 20 = 10n − 30, तो हो गया 2n = 50, तो n बराबर कितना हो गया 25। n का ही वैल्यू तो पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स दैट आर इंक्रीज्ड बाय 27 व्हेन देयर डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, देखो कोई भी टू डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है, 10a + b के फॉर्म में होता है, अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 10b + a। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि जब किसी टू डिजिट नंबर को अगर उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो वो 27 से बढ़ जाता है, मतलब जो चेंज किया हुआ नंबर है वो नंबर ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस है ना वो हमें क्या देगा, 27 देगा। तो ऐसा कितना पॉसिबल नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9b − 9a = 27, b - a कितना हो गया 3। तो अब बी का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 - 6 एक कंडीशन, 8 - 5 दूसरा, 7 - 4 तीसरा, 6 - 3 चौथा, 5 - 2 पांचवा और ये छठा, तो 6 ऐसे नंबर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, मतलब जो इसमें आंसर होगा देखो क्या क्या हो जाएगा, 69 को अगर उल्टा दोगे ना 96 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 27 आ जाएगा, 58 है इसको पलटा दोगे तो 85 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 27 आ जाएगा, तो ये 47 है इसको उल्टा दोगे तो 74 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 27। इसी तरह से टोटल 6 ऐसे नंबर पॉसिबल है। ठीक है, यही पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रेटर सच दैट PQ इज डायमीटर। चलो मैं जो है एक पहले शेप ले लेता हूँ सर्किल का। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रेटर सच दैट PQ इज द डायमीटर। अब PQ हमारा डायमीटर है, डायमीटर हमारा सेंटर से पास होता है, सबको पता है, ये हमारा PQ हो गया, RS है तो यहाँ भी बनाते, साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाना है ना, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, PQR and S। उसके बाद दिया हुआ है एंगल PSR 100, PSR देखो कहाँ हो गया, ये एंगल जो है 110 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा क्या देन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QPR, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है, ये एंगल। देखो बहुत इजी है, सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये एंगल हमें 90 मालूम है। देखो एक सर्किल है ना, अगर ये डायमीटर है तो कोई भी एंगल यहाँ बना दो इस तरह से, तो ये एंगल 90 होता है हमेशा। ठीक है, इसलिए ये 90 है। उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 110 है, इसके सामने वाला एंगल कौन हो गया, ये वाला, तो ये हमारे 70 दिया हुआ, 70 हो जाएगा, 110 और 70 कितना होता है, 180 होता है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, PQR में दो एंगल मालूम है, 90 और 70, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20 9 7 16 2 180, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। इन ट्रायंगल WXY WZ, एक फिर से मैं ट्रायंगल लेता हूँ, पहले शेप लिया मैंने ट्रायंगल, पर ऐसा ट्रायंगल लेते हैं पहले, अच्छे से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो WZ इज परपेंडिकुलर ऑन XY, तो X मैं ये ले लेता हूँ, Y ये ले लेता हूँ और W ये लेता हूँ, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस तरह से WZ का। ठीक है, S इज ए पॉइंट ऑन WX, S इस पे कोई पॉइंट है WX पे, सच दैट YSW, मतलब इसको हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मिला दिया YSW, ये एंगल जो है एंगल A डिग्री है, इफ एंगल SYZ = 54, S है इधर, Y यहाँ है और Z यहाँ है, ये एंगल कितना दिया भाई, 54 डिग्री, एंड XWZ, ये एंगल हमें कितना मालूम है, 70 डिग्री। तो पूछा है ए का वैल्यू कितना है, देखो इजी है ना, ये 90 दिया हुआ हमें, राइट, अब 90 है और ये कितना है, 54 है, तो ये हमारा इसका और इसका एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा, राइट। तो 90 में से अगर मैं 54 को घटाता हूँ तो ये आ जाएगा 36, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 36।
अगर ये 36 तो ये भी 36 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए, इसको मैं ओ ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एस ओ डब्ल्यू में, एस ओ डब्ल्यू में दो एंगल मालूम है, एक है 36 एक है 70, तो तीसरा निकल जाएगा। 70 36 का सम कितना हो गया 106 डिग्री। तो ए अगर हमें निकालना है तो 180 में से 106 को घटा दो, तो ये 4 हो गया, और फिर यहाँ 7 74 डिग्री आ जाएगा हमारा ए का वैल्यू। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। ये तो इजी है, हम लोग जानते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से सम अगर सबका जीरो हो जाए तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो 6p माइनस 8 बराबर जीरो होगा, तो p बराबर हो गया 8/6 मतलब 4/3। अगर इसको मैं जीरो पुट करता हूँ तो q बराबर हो जाएगा 10/3 और r बराबर हो गया हमारा 2/3। इसका वैल्यू निकालना भाई, पी प्लस आर इन दोनों को पहले ऐड कर दो, तो 4 2 6 6 6/3 मतलब हो गया 2 2/क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 10/3, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 5 10, 3/5 कहाँ है देख लो, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। ए सम इज लेंट फॉर 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द सम इज लेंट एट 8+1.5% देन इट अर्न्स ₹120 मोर। देखो रेट में कितना का चेंज हुआ, 1.5% का रेट में बदलाव हुआ था। अच्छा कितने साल के लिए दिया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, 4 साल के लिए, तो 4 साल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 6%। इसी 6% के बढ़ने के कारण ₹120 इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल का 6% ही जो है ना वो 120 दिया हुआ है, तो 6 × 12 तो पी बराबर कितना हो गया 2000। तो वही पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो 2000। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए ट्रायंगल KLM इज ए राइट एंगल एट M L, ठीक है, तो यहाँ देखो KLM ये एंगल है 90। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो दो जो एक्यूट एंगल होते हैं उनका सम भी कितना होता है 90, मतलब हमें यहाँ दिया हुआ है पहले से K प्लस M कितना है 90। बहुत इजी है, 10 90/2 कितना होता है 45, 10 45 1 हो गया है। फिर कॉसेक यहाँ भी वही है 45, कॉसेक 45 होता है √2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। कंसीडर द फ्लोइंग सर्किल, सर्किल हमें दिख रहा है ओ सेंटर है हमारा, ठीक है ध्यान रखना ओ हमारा सेंटर ऑफ सर्किल है। इफ एंगल ए बी डी जो है 65 है, ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ 65, अच्छा ये 65 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा पूरा 130, ये दुगुना होता है, आप लोगों को पता होगा ये। आर्क पर से किसी भी मतलब मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल जो होता है वो आधा होता है उसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल का, ठीक है इसका आधा होगा ये, तो इसका दुगुना होगा ये 65 130 हो गया। अब एओसी ये है एक्स डिग्री और ये एंगल दिया है 2x/3 डिग्री, दोनों को जोड़ दो 130 के बराबर कर दो, 3 × 3 = 5, मतलब 5x/3 जो है 130 के बराबर दिया है, तो 5 से काटो 5 × 10 5 × 30 26 × 78 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 78। तो पूछा भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 78 कहाँ है देख लो सी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देयर आर टू पाइप्स जी एंड के आर अटैच्ड टू फिल अ सिस्टर्न, द सिस्टर्न कैन बी फिल्ड इन 84 मिनट्स, 84 मिनट्स में जी और के दोनों मिलके 84 मिनट्स में फिल कर दे रहा है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर द सेम सिस्टर्न कैन बी फिल्ड इन 2 आवर्स, 2 आवर्स कितना होता है भाई 120 मिनट। इफ जी अलोन, जी अकेला उसे भरे तो, अब 184 और 120 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 × 7 = 84 और 12 × 9 = 120, एलसीएम हो जाएगा 12 × 70, 12 × 7 = 84 मतलब 840, इसका इफिशियंसी 10 हो गया, इसका 7 हो गया, ठीक है तो के का इफिशियंसी कितना हो गया भाई, इसको इसमें घटा देंगे 3 हो गया। तो पूछा है हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल पाइप के अलोन टेक टू फिल अप द सेम सिस्टर्न, ठीक है ठीक है, तो 884 मतलब 840 में 3 से डिवाइड दे दो, कितना हो गया 3 × 6 × 3 = 24 मतलब 280 मिनट लगेगा इसको भरने में के को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स हु गो टू ऑफिस बाय कार इज 1:5, कार यहाँ है ठीक है, एंड द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स टू द मेल्स हु गो टू द ऑफिस बाय मेट्रो इज 2:3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु गो टू द ऑफिस बाय कार एंड बाय मेट्रो, डिफरेंस निकालना है और फीमेल्स का, मेल से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले कार की बात करते हैं,
तो 600 है टोटल आदमी, उसका 11% मतलब हो गया 66। इस 66 में फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो फीमेल टू दैट ऑफ मेल, तो 1/6, तो कितना हो गया 11 फीमेल है जो कि कार से जाएगी। ठीक है, फिर 600 का अगर मैं 10% निकालू, मेट्रो यहाँ है 10%, तो 60 हो गया। 60 में फीमेल कितनी हो जाएगी भाई, 2/5, तो 12, हाँ ठीक है 12 दूना 24, ये हो गया मेट्रो। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 13 हो गया डिफरेंस, तो 13 कहाँ है, आंसर लगा दो आप। ठीक है 13, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हम लोग। How many two digits numbers are there that gives a reminder of 5 when divided by 8? मान लो कोई number n है, उसको 8 से divide देंगे, तो quotient कुछ भी हो, reminder हमारा क्या आ रहा है 5। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो dividend is equal to divisor into quotient plus reminder। अब ये जो है ना two digit number है, ठीक है, तो कब कब हो सकता है, मान लो अब q की जगह पे अगर 1 रखूँ मैं, तो 8 का 8 5 13, तो एक पे तो बन रहा है टू डिजिट, दो पे भी बन जाएगा 8 दूना 16 5, 8 दूना 16 5 21। इस तरह से सबको चेक नहीं करना है, बड़े से बड़े नंबर लेके देखते हैं। 9 8 9 8 72 72 5 77, 9 पे भी बन जा रहा है, 9 नंबर तो ऐसे हो गया। 10 अगर रखे तो 10 8 85 85, 10 पे भी बन रहा है 85 बन रहा है, टू डिजिट नंबर है। 11 अगर रखे 11 8 88 88 5 93, 11 पे भी बन रहा है। 12 8 96 96 5 101 हो जाता है, तो 12 यहाँ पे क्यू की जगह पे नहीं आ सकता है, मतलब 11 नंबर टोटल ऐसे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हम लोग। द मंथली इनकम ऑफ अरुण इज इतना एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना, इफ इज मंथली इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 40% व्हाइल मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 9%, देन व्हाट इज द न्यू मंथली सेविंग्स पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इनकम देख लेते हैं, नया इनकम कितना होगा, तो 57,000 का 40% बढ़ रहा है, 140% 140% होता है 14/10, तो ये इस कटा 14,000 14,98 के 8 बाकी 9 14 5 70 70 9, इतना नया इनकम इतना हो गया। एक्सपेंडिचर नया देख लेते हैं कितना हो गया, 32,000 है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 9%, 109% मतलब 109/100, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 1 जीरो कैसे आ गया। अब इसको कैसे गुना कर, 109 दूना होता है 218 का हो जाएगा 8, बाकी बच गया 21, 109 तिया 227, 109 तिया 227 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8 4 2, ठीक है घटा दो 0 10 में से 8 गया 2, तो 0 2 यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है दोनों तो गया। यहाँ बच गया हमारा 7 7 में से 8 गया 9, दोनों में 9 है, ठीक है यहाँ बचा 8 8 8 8 8 8 में 4 गया 4 और 5 5 4 9 5 4 9 5 4 9, अरे 4 4 9 है, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, ये 57,000 था ना, गुना सही हुआ है ना, 109 तिया 327 सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा ना, तो घट के हो गया 4 4 4 9, देखो यहाँ पे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हम लोग। देखो ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 × सेकंड। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे सोचना है कैसे याद रखना है। ठीक है पहले इसको देख लेते हैं, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS में देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये पूरा हो गया ए, ये पूरा हो गया बी, ये पूरा हो गया ए, ये पूरा हो गया बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये बच गया 3y + 7a, और बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा 3y, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 11a × x, x ही निकालना है, तो यहाँ से 3y से 3ay भी कट गया, तो बच गया 7a = 11a × x, सॉरी x, तो x बराबर कितना हो गया 7/11, तो ये हमारा आ गया। देखो ये उसी फॉर्म का है जैसे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया हुआ है हमारा c, और हमसे पूछा जाए a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, वही पूछा गया इस तरह का, तो ऐसे में इसको x मानते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है। ठीक है तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हम लोग। यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा है, तो cos थीटा को इधर भेज देता हूँ मैं, तो यहाँ अगर cos थीटा आ गया, साइन बाय cos क्या होता है भाई, tan थीटा, tan थीटा बराबर हमारा आ गया √3, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है पता है हमें, टू साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग 3/4 आ जाएगा, प्लस
sec 60 कितना होता है भाई? sec 60 cos 60 होता है हमारा 1 by 2, तो sec 60 हो जाएगा 2, तो हो गया 4. sin 60 root 3 by 2 into 2 plus cos 60, तो 2 by root 3, right? इसको अब add करना है. ये तो दो बार में कट गया, ये कट गया, बच गया क्या क्या देखो, 4 दुना 8, 8 3 11 by 2, तो यहाँ आ गया प्लस. इसको अगर मैं सॉल्व करूं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री प्लस टू फाइव, फाइव बाय रूट थ्री आ गया. ठीक है, अगर मैं अब एलसीएम लेता हूं यहां पे, तो हो गया टू रूट थ्री, ये हो गया 11 रूट थ्री प्लस 10. अब इसको जो हमें रेशनलाइज करना है, तो रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 33 प्लस 10 रूट थ्री हो गया, नीचे हो गया 6. देखो कहाँ पे है ऐसा, 33 प्लस 10 रूट 3 बाय 6, फर्स्ट ही ऑप्शन है. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. ऑन ए 600 मीटर ट्रैक एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन विद स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड इफ ही स्टार्टेड रनिंग एट 2:30 पीएम, मतलब 2:30 बजे स्टार्ट करता है एंड स्टॉप फॉर 20 सेकंड्स बिफोर रीचिंग फाइनल पोजीशन, देन एट व्हाट टाइम ही रीचेस द फाइनल पोजीशन. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. मान लो एक एथलेट जो है यहाँ से स्टार्ट करता है और यहीं पे आके उसे रुकना है. ठीक है, 600 मीटर का ट्रैक है, तो वो बीच में कहीं भी 20 सेकंड के लिए रुकता है पहुंचने से पहले. मान लो यहाँ रुक जाए, कहीं रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए थोड़ी देर के लिए. मान लो अगर वो नहीं रुकता, अगर वो नहीं रुकता तो 600 मीटर का ट्रैक था, ये हो गया डिस्टेंस और स्पीड है हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड. इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 25 गुना 50, 10 उसमें गया 25, 240 सेकेंड लगे उसको पहुंचने में, 20 सेकेंड और वो रुका, तो 20 सेकंड और जोड़ देते हैं क्योंकि 20 सेकंड उसे रुकना है पहुंचने से पहले, तो टोटल हो गए 260 सेकंड. 260 सेकंड अगर मिनट में चेंज करें तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो छोचा के 24, अच्छा 240 तो ऐसे हो गया, 240 प्लस 20 ऐसे रखते हैं ना, 240 हो गया 4 मिनट और ये हो गया 20 सेकंड. तो अगर देखा जाए तो वो 2:30 बजे चला था, तो अब वो 2:30 अब ये 2:34 और 20 सेकेंड, 2:34:20 कहाँ है वहां देख लो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. विकास वेंट टू ए शॉप टू परचेज एन आइटम एट एंड गॉट 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम. सिंस ही इज द लकी कस्टमर एट द डे, नेक्स्ट डे ही वेंट टू द सेम शॉप टू परचेज सेम आइटम, बट नाउ ही हैज टू पे 8% एक्स्ट्रा ऑन द मार्क प्राइस एज टैक्स. If the shopkeeper marked the price of item up by 15% and difference between amount paid by Vikas on both days to purchase the item is 128.8, then what is the cost price of the item? ठीक है, ध्यान से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ. मान लो विकास जो है एक दुकान गया, उस दुकान पे मार्क, पहले यहाँ देख लो, शॉपकीपर मार्क द प्राइस अप बाय 115%. अगर मैं 100x रखता हूँ, ठीक है, एक मतलब कॉस्ट प्राइस उसका, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ये देख लो, सेलिंग एमपी क्या हो जाएगा ये देख लो, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 15% बढ़ा के रखते हैं तो 115x हो गया, राइट, ये एमपी हो गया. अब इस एमपी पे विकास एक दिन गया तो उसे 8% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब वो एमपी का 92% ही पे करता है. फिर वो सोचा कि अगले दिन मैं फिर जाता हूँ लेने के लिए, अगले दिन जैसे गया ना उसे 8% एक्स्ट्रा देना पड़ गया, मतलब अगले दिन वो एमपी का, ठीक है, 108% वो दे रहा है क्योंकि टैक्स के रूप में 8% एक्स्ट्रा देना पड़ा. ठीक है, जिसके कारण जो दोनों दिन का जो डिफरेंस था उसका अमाउंट का, उसका डिफरेंस 128.8 रुपया आया. तो एमपी का एक दिन उसे 108% देना पड़ रहा था और एक दिन 92% देना पड़ रहा था, इसी का डिफरेंस जो है ना वो 128.8 दिया हुआ. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना भाई, परसेंटेज को अगर मैं हटाऊं तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो परसेंटेज को हटा दो, हटा दिया मैंने परसेंटेज को, इसको भी मैं हटा देता हूं, हट गया. अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16. अब देखो ये पॉइंट उठाया मैंने, ये जीरो आया नीचे, इस 100 को मैं अगर इधर भेजता हूँ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो को मैं यहाँ लिख देता हूँ. अब 16 से इसको काट दो, 16 8 128 0 16 5 80, 805 एक्स बराबर 805 अपॉन 115, ये 7 बार में कट रहा है एग्जैक्टली. सीपी कितना है 100x, तो 100x का वैल्यू कितना हो गया 700, राइट, तो 700 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. इफ द एससीएफ ऑफ 24 एंड 60
is expressible in the form of 30 into 4 plus 12 m, then find the value of m. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. 24 और 60 कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि दोनों को कैंसिल करता है. 6 6 4 24 6 से बड़ा कोई नंबर है क्या? 8 8 3 24 8 से 8 के टेबल में 12 12 2 24 12 5 60 इन दोनों का एलसीएम हमारा 12 आ गया. नहीं आता है तो ऐसे कर लेना, 24 2 48 यहाँ हो गया 12 12 2 24 कट गया, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया. मतलब हमें दिया हुआ है 30 4 120 प्लस 12 m बराबर 12. इजी क्वेश्चन है. 12 m बराबर, इसको अगर मैं इधर भेजूँ तो -108 हो गया, m बराबर -9, तो डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन. एक और बच गया लास्ट में. फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस अमाउंट अर्नड बाय द शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग ऑल 5 आइटम्स. देखो यहाँ सीपी दिया है ब्लू वाला, सेलिंग प्राइस है रेड वाला, तो सारे ब्लू वाले को ऐड कर लो भाई. 40 20 60 5 65 65 5 70 30 100 150 195. तो सीपी हो गया 195. एसपी देख लेते हैं भाई, 45 35 40 70 80 80 30 110 110 और 80, मतलब 190 एसपी हो गया. तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. लॉस कितने हुआ? 5 का 195 × 100 ये लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो लॉस तो एक ही जगह है, 5% का. देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है. ओके ठीक है, 5 से काटो तो 5 का 5 5 5 5 5 चुके 5 चुके, अरे 5 3 15 5 9 45. ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसे काटूं, एक भी ऑप्शन कहाँ रहा है? जोड़ा मैंने गलती किया. कॉस्ट प्राइस में देख लेता हूँ पहले. 40 20 60 60 5 65 65 5 70 30 100 100 150 150 40 195. सीपी 195 ठीक तो है. एसपी देखता हूँ 45 और 35 अगर मैं देखूँ तो 40 30 70 80 80 30 110 5 110 और 50 160 160 30 190. तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है ना, तो 5 रुपये का लॉस हो गया. लॉस अपन सीपी 195 × 100%, 5 3 15 5 45 39 39. अगर मैं इसको काटूं, देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है. लॉस जो होगा 100/39 है. अगर मैं इसको 40 मान के चलूं तो 2.5% के आसपास का लॉस होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये शायद इसका ऑप्शन गलत आ रहा है. ठीक है, बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है. आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बने रहे इसी तरह चैनल पे. अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ एक शहर से दूसरे शहर, तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली सारा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ कंटिन्यूस हो जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.